नमस्कार साथियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीश पाल सिंह, सह प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, और आज हम अधिकार एवं बाल अधिकार का संप्रत्यय तथा बाल अधिकार का अर्थ विषय पर चर्चा करेंगे। अधिकार क्या है? अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानून सम्मत या संविदा सम्मत सुविधा, दावा या विशेषाधिकार है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं एवं इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां कानून अधिकारों को मान्यता देता है, वहां इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है। बालकों से हम क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है। इसी प्रकार से भारतीय कानून में बालक की परिभाषा अलग अलग है। जैसे श्रमिक कानून में 14 वर्ष तक के व्यक्ति को बालक माना गया है, भारतीय खनन कानून में 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बालक माना गया है, किशोर अपराध अधिनियम में 16 वर्ष तक के लड़के एवं 18 वर्ष तक की लड़की को बालक की संज्ञा दी गई है। बाल अधिकार का अर्थ। बाल अधिकार क्या हैं? बच्चे किसी भी देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, और यदि उन्हें अनुकूल और समर्थ वातावरण प्रदान किया जाए तो प्रत्येक बच्चा एक उत्पादक वयस्क और देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पलवित हो सकता है। इस प्रकार समाज के समग्र विकास के लिए उपयुक्त बाल विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं राष्ट्रीय मानव संसाधन को विकास करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि हम बच्चों को अच्छी तरीके से देखभाल करें, बच्चों का अच्छी तरीके से विकास करें। बच्चों को दिए गए वो समस्त अधिकार जो बच्चों के विकास को प्रेरित करते हैं बाल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बच्चों के मानवाधिकारों को हम बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकारों का वर्गीकरण। बाल अधिकारों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जीवन का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार एवं भागीदारी का अधिकार। ये चारों वर्ग मुख्यतः सम्मिलित रूप से बाल अधिकारों की बात करते हैं। बालकों के अधिकारों के संबंध में 1924 में पहला अधिवेशन जिनेवा में हुआ। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में 1948 में बाल अधिकारों को मान्यता देते हुए मानव अधिकारों की घोषणा में शामिल किया गया। इसी तरीके से भारतीय संविधान में भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 के अनुसार बालकों के अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महासभा की 20 नवंबर 1959 की बैठक में बाल अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया, परंतु उसके लंबे एक बहुत लंबे समय बाद लगभग 30 वर्ष पश्चात 20 नवंबर 1979 को संघ में शामिल समस्त देशों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति दी। यह घोषणा पत्र 3 भागों में विभक्त है। ये 3 भाग 54 अनुच्छेदों में विभक्त किए गए हैं। इनमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनका विकास एवं उनके विकास के विभिन्न प्रावधानों के लिए सहमति जाहिर की गई है।
इस दस्तावेज में दुनिया भर के बच्चों के लिए कुछ आधारभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक बच्चे को जीवन का अधिकार है, उसे उचित देखभाल और खाने पीने का अधिकार है। साथ में यह माना जाता है कि बच्चे के व्यक्तित्व का पूरा और उचित विकास परिवार के बीच ही हो सकता है, इसलिए उसे परिवार में रहने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का भी अधिकार है। प्रत्येक बालक को पढ़ाई लिखाई के बराबर अवसर पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को आराम करने, खेलने और अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन करने तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का भी अधिकार है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ ही नाम तथा राष्ट्रीयता का अधिकारी एवं हकदार होगा। प्रत्येक बच्चे को अपने हकों एवं भलाई के लिए कानूनी तौर पर हिफाजत का भी अधिकार है। इन्हीं अधिकारों की अगली श्रेणी में युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं एवं मुसीबतों के समय सबसे पहले राहत पाने का अधिकारी भी बालक ही है। बालक को मानसिक तथा शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष देखभाल, विशेष उपचार एवं उनके लिए विशेष शैक्षिक प्रबंध करने का भी अधिकार दिया गया है। बच्चों की उपेक्षा करना, उनके साथ क्रूरता से पेश आना एवं उनका शोषण करना के विरुद्ध भी सुरक्षा का अधिकार बालकों को दिया गया है। यदि हम भारतीय संविधान में बाल अधिकारों की बात करें तो भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धारणाओं के माध्यम से बाल अधिकारों की वकालत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को बच्चों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण करने का अधिकार देता है। संविधान की धारा 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जाएगा। संविधान की धारा 39(ई) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और कम उम्र के बालकों का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र एवं शक्ति के प्रतिकूल काम आर्थिक जरूरतों के लिए ना करें। संविधान की धारा 39(f) में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएं और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देना कानूनी रूप से आवश्यक होगा तथा राज्य ऐसा करने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 39(ई) के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य और रक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य कानूनी तौर पर बाध्य है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39(f) यह मानता है कि बच्चों को सम्मानजनक व
गरिमामय तरीके से विकास करने के आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में निहित विभिन्न धाराओं के माध्यम से, विभिन्न नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से एवं मौलिक अधिकारों के माध्यम से बालकों के अधिकार की बातें हम करते हैं, साथ में बालकों के अधिकारों के संबंध में विभिन्न अन्य राष्ट्रीय कानून भी समय समय पर बनाए जाते रहे हैं। उन्हीं में से जेजी अधिनियम, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के नाम से भी जानते हैं, में बालकों के अधिकारों के लिए विभिन्न धाराओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे जिसमें धारा 75 बच्चों के साथ क्रूरता करना, धारा 76 बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाना, धारा 77 बच्चे को अल्कोहल युक्त पेय, नशीली दवा या मादक पदार्थ देना, धारा 78 किसी नशीले पेय दवाएं या मादक पदार्थों को बेचने, परिवहन करने, वितरण या तस्करी में बच्चों का उपयोग करने, धारा 79 इसमें बाल श्रमिकों का शोषण करने, धारा 80 अवैधानिक दत्तक ग्रहण प्रक्रिया अपनाने, धारा 81 किसी भी प्रयोजन से बच्चों का क्रय विक्रय करने, धारा 83 में गैर राज्यीय उग्रवादी समूहों में बच्चों की भर्ती या उपयोग करने, धारा 84 के माध्यम से जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का अपहरण या बंधक बनाने के अंतर्गत मानव तस्करों पर कार्यवाही करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 को व्यावसायिक प्रयोजन से तस्करी व यौन शोषण से निपटने के लिए लागू किया गया था। इसका ध्येय अधिनियम को गैर प्रासंगिक बनाने के लिए सहमति के माध्यम से तेजी से बढ़ती बाल यौन शोषण की समस्या से निपटना है। यदि इस उपधारा के अधीन कोई अपराध उस व्यक्ति की इच्छा के विपरीत किया जाता है तो 7 वर्ष की अवधि के कारावास के दंड के प्रावधान को विस्तार देकर अन्य उपधारा के विषयगत 14 वर्ष की अवधि तक कारावास के दंड को विस्तृत किया जा सकता है। फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 2013 CRPC और IPC। फौजदारी कानून संशोधन 2013 के परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 370 और 370A को शामिल किया गया, जिसमें विभिन्न प्रयोजनों से मानव तस्करी को शामिल किया गया था, जैसे शारीरिक शोषण, गुलामी, दास्ता, अंगों को बलात् हटाना अथवा यौन उत्पीड़न आदि। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012। यह अधिनियम भैला फुसलाकर यौन प्रयोजन के लिए की गई मानव तस्करी से निमटने के लिए है। यह लैंगिक रूप से निष्पक्ष अधिनियम है और 18 वर्ष के कम आयु के सभी बच्चों को, चाहे वो बालक हों चाहे बालिकाएं हों, को समाहित करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006। बाल विवाह आयोजन और इससे जुड़ी तथा दुर्घटना व संबद्ध क्रियाओं को प्रतिबंधित करता है। PCMA के अंतर्गत कुछ विवाह शून्य एवं अमान्य भी घोषित किए जाते हैं। इसमें बहला फुसलाकर छल पूर्वक या बलपूर्वक किसी बच्चे को उसके वैधानिक पालकों अभिभावकों से दूर ले जाकर किया गया विवाह या विवाह के प्रयोजन से बच्चे का विक्रय या परिवहन
या किसी अन्य प्रयोजन से की गई तस्करी शामिल है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि यह प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। यह सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व आरंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें और उसकी निगरानी करें। बालकों की शिक्षा के संबंध में यह अधिनियम एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। इस अधिनियम को 2009 में जारी किया गया, परंतु 2010 में इस अधिनियम को लागू किया गया। बालकों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे 2010 में लागू किया गया, बालकों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ, जिसके माध्यम से बालकों को लिंग, जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर वंचित, शिक्षा से वंचित ना रखकर शिक्षा के समान अवसर उसे उपलब्ध कराना, अपने पास के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई एवं प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उसकी उपस्थिति, उसकी प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बताया गया। राष्ट्रीय बाल नीति 2013। राष्ट्रीय बाल नीति का अनुच्छेद 4.9 कहता है कि राज्य समस्त बच्चों को सभी प्रकार की हिंसाओं और दुर्व्यवहार, हानि पहुंचाने, चूक, लांछन लगाने, भेदभाव करने तथा आर्थिक एवं लैंगिक उत्पीड़न सहित सभी प्रकार के उत्पीड़नों से संरक्षित करेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पोषाहार नीति 1993 के माध्यम से बालकों को पर्याप्त पोषण का प्रावधान निर्धारित किया गया। किशोर न्याय कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बाल गृहों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए इसकी लागत के 50% की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बच्चों की देखभाल एवं बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान है। इस प्रकार से हमने आज बाल अधिकार क्या हैं, बाल अधिकारों के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एवं भारतीय संविधान के द्वारा किए गए हैं और हम किस प्रकार बाल अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, इस विषय पर आज हमने चर्चा की। एक अध्यापक के रूप में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम बाल अधिकारों के संबंध में बालकों को, उनके माता पिता को एवं अपने साथी अध्यापकों को जागृत करें, साथ में बाल अधिकारों का किसी भी लेवल पर, किसी भी पक्ष में हनन ना हो पाए, बालकों को अपने विकास के उत्तम अवसर मिलें ताकि वह आगे चलकर एक देश का सबल एवं सफल नागरिक बन सके। इसी के साथ आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।